शहर के गोत्री विस्तार में नशे की हालत में धुत वैसी लड़की द्वारा मचाए गए भारी हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार गोत्री पुलिस द्वारा नशेबाज लड़की की गिरफ्तारी की थी। शहर के गोत्री विस्तार गोकुल पार्टी प्लॉट के पास कल देर रात नशे की हालत में धुत वैसी लड़की द्वारा भारी हल्ला और हंगामा मचाते हुए पुलिस कर्मचारी पर थप्पड़ लादे गए थे। बाजोड़ा विस्तार में रहती 41 वर्षीय मोना चंद्रकांत हिंगू शनिवार की देर रात गोकुल पार्टी प्लॉट के पास से गुजर रही थी। ऐसे में राहदारी और एक कार को टक्कर लगाने के बाद हंगामा घटित किया था। पुलिस को बुलाने पर नशेबाज वैसी लड़की ने पुलिस कर्मचारी पर भी थप्पड़ लगाए थे और बाद नशे की हालत में गाली गलौज कर भारी हल्ला मचाया था, जिसके बाद दर्ज करवाई गई वैसी शिकायत के आधार पर आखिरकार पुलिस ने बाजवाड़ा विस्तार में रहती 41 वर्षीय मोना चंद्रकांत हिंगू के खिलाफ गुना दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की थी। लास्ट नाइट को जो पुलिस ड्यूटी पे थी होमगार्ड और पुलिस के जवान, तो इसी सिलसिले में वाहन चेकिंग का जो हो रहा था, तो एक महिला ड्राइवर के आ रही थी व्हीकल लेके, तो उसको थोड़ी पूछताछ की, तो इसके हिसाब से इसने जो ड्यूटी पे थे हेड कॉन्स्टेबल और जो होमगार्ड्स के जवान, उसके साथ थोड़ा बदतमीजी किया, तो एडिशनल फोर्स पुलिस से मंगवाया और पुलिस स्टेशन से फोर्स वहाँ पे पहुँचा, तो फिर जांच किया तो पता चला कि वो जो महिला है वो ड्रंक करके ड्राइव कर रही है, तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत धारा के तहत जो गुनाह रजिस्टर करना था वो कल रात को ही कर दिया है। और जो ड्यूटी पे थे पुलिस जवान और होमगार्ड, इसके साथ जो बदतमीजी करने के मामले में एक सेपरेट उसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। फर्दर क्या हो सकेगा, क्योंकि साथ में कौन कौन सी धारा लग सकती है, आगे क्या कार्यवाही हो सकती है? हाँ, प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं इसमें मेडिकल भी उसका होना चाहिए, तो वो भी करेंगे, और अलायगी जो कंप्लेंट दी गई है पुलिस के साथ बदतमीजी करने की और ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट करने की हरकत से, तो वो भी एक सेपरेट कंप्लेंट दी गई है। एबीसी कौन सी धारा लगी है, अवेलेबल है या फिर कोर्ट में ले जाएगा? हाँ, प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई वो भी अवेलेबल है, और ये जो ड्यूटी पे थे उसके हिसाब से अलग से कंप्लेंट हुई है वो भी अवेलेबल है। हाँ, ये इसी सिलसिले में जो प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो आईओ अलग है, वो आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सभी जांच पड़ताल इसमें कंप्लीट हो गई है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट तय करके ही हम आपको बता सकते हैं।